ये है दोस्तों आपका ऑल न्यू फोर्स ट्रैक्स क्रूजर। सब्सक्राइब कर दीजिए और प्रेस कर दीजिए बेल आइकन पाने के लिए लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले और सबसे तेज। आज इसका इंटीरियर, इसका एक्सटीरियर आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा और जो लोग इसके लिए पूछ रहे थे तो उम्मीद है कि वो इसे शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। फ्रंट प्रोफाइल आप चेक कर रहे हैं जो बहुत ही फ्लैट फील के साथ आता है। हेडलैम्प्स देख लीजिए, पूरे स्क्वायर टाइप आपको हेडलैम्प्स देखने को मिलेंगे। बहुत ही ब्रॉड सा पूरा क्लस्टर दिया गया है। फोर्स की ब्रांडिंग आपको क्रोम पे दी गई है। ब्रॉड सीक्रेल अवेलेबल है। बहुत ही इम्पोजिंग सा फ्रंट प्रोफाइल लगता है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाली फील आपको आएगी, रफ़ वाली फील आपको आएगी जब आप इसको देखोगे। बिल्कुल आप बोल सकते हैं ना रफ़ एंड टफ़, बस वही वाली फीलिंग आने वाली है। अब इसका जो साइड प्रोफाइल है वो आपको चेक कराएंगे और वन फ्रेम व्यू भी दे देंगे, जैसे हमेशा आपको हर कार का मैं देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो वन फ्रेम व्यू कंप्लीट, आपको आइडिया लग रहा होगा। इधर साइड में आपको ग्राफिक्स भी मिलते हैं क्रूज़र के। चलते हैं इसका जो बैक प्रोफाइल वो आपको चेक करा देते हैं। जैसे इसका फ्रंट है वैसे इसका बैक है। बहुत ही ज़्यादा फ्लैट फील आता है। आपका स्पेयर व्हील आपको दिख रहा है। इधर आप ट्रैक्स की ब्रांडिंग क्रोम पे देखते हो। अपने जो टेल लैम्प है वो देख लीजिए, नॉर्मल से टेल लैम्प आपको प्रोवाइड करे गए। गेट ओपन कर लेते हैं और सीटिंग स्पेसेस आपको दिखा देते हैं। इधर अपनी पूरी आप सीट्स चेक कर सकते हो और डुअल कॉम्बिनेशन पे सीट्स प्रोवाइड करी गई हैं। काफ़ी अच्छी सी स्पेस दी गई है ट्रैक्स क्रूज़र में। आपको ये कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा अपने व्यूज़। आपके व्यूज़ ज़्यादा मैटर करते हैं, शायद आप ही आगे इसको परचेस करोगे। अब इसका जो अदर साइड है वो आपको चेक करा देते हैं, यानी कि ड्राइवर साइड। फिर चलेंगे और जो इसका इंटीरियर वगैरह है वो भी आपको चेक कराएंगे। पहले पूरा क्लोज व्यू आप ले लीजिए। इधर अपने जो ग्राफिक्स हैं क्रूज़र के वो आप देख सकते हो। अच्छा सा थोड़ा फील दे देते हैं आपको, थोड़ा सा कूल सा लुक दे देते हैं ग्राफिक की वजह से। ऐसे अगर प्लेन बॉडी होती तो कुछ कम अच्छी लगती है, लेकिन कंपनी ने इधर ग्राफिक्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब चलते हैं, इसका जो ड्राइवर साइड डोर है वो ओपन कर लेते हैं और जो इसके इंटीरियर्स हैं वो आपको चेक कराएंगे। इधर अपना जो डोर है वो ओपन कर लेते हैं। डुअल कॉम्बिनेशन आपको डैशबोर्ड प्रोवाइड करा गया है। काफ़ी अच्छा सा इंटीरियर लगने लगता है। अगर केवल सिंपल ब्लैक फिनिश दी जाती तो काफ़ी डल लगता, लेकिन इधर कंपनी ने डुअल फिनिश दी है तो अच्छी बात है। सीट एडजस्टमेंट्स मैनुअल हैं आपकी। सीट्स आप इधर देख सकते हो, डुअल कॉम्बिनेशन जैसे पीछे थी। अपना इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देख लीजिए, DIS भी आपको दिया गया है। इसके अंदर अपनी स्टीयरिंग देख लो, सिंपल ब्लैक फिनिश पे आपको देखने को मिलती है। टॉगल्स हैं आपके और AC वेंट्स आपको राउंडेड शेप में दिए गए हैं। इधर आपके हो गए पावर विंडो कंट्रोल्स, विंडो लॉक, और पीछे आपको दिया गया था एक कप होल्डर। इधर आपको सिस्टम भी दिया गया, मतलब कि म्यूजिक सिस्टम नॉर्मल दिया गया है। नीचे आपका हो गया AC कंट्रोल एरिया, हैजर्ड लाइट की बटन, सब पूरा चेक कर लीजिए। टेलवोल्ट का सॉकेट, गियर बॉक्स आपका, रेंज के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सी फिट एंड फिनिश आपको इस में मिलती है। साइड्स में भी आपको जो सेफ्टी हैंडल्स हैं प्रोवाइड करे गए हैं। इधर पूरा व्यू आपको मिल गया होगा। अब जिसका रियर डोर है वो भी ओपन कर लेते हैं। पहले चलते हैं आगे की तरफ और अंदर से इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये लॉक्ड है अंदर से। इसको ओपन कर लेते हैं और फिर आपको जो रियर सीटिंग है वो आपको चेक कराएंगे। इधर पूरा व्यू ले सकते हैं पहले अपनी एंट्रेंसेस का। काफ़ी वाइड सी एंट्रेंस दी गई है। इधर पीछे कोई आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं दिया गया। ऊपर भी आपको AC वेंट्स रूफ में भी प्रोवाइड करेगा। आफ्टरऑल इतना लार्ज साइज़ है तो कूलिंग के लिए सब चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। पूरा व्यू आप ले सकते हो। इधर अपना जो कप होल्डर है वो देख लो। नीचे के साइड कोई भी वेंट्स वगैरह नहीं दिए गए। आपको अपर वेंट्स मैंने दिखा दिए थे। आपके जो AC वेंट्स हैं वापस से पीछे आ गए और कंप्लीट व्यू आपको पूरा दे रहे हैं इसका ट्रैक्स क्रूज़र का। डिस्क्रिप्शन में आपको दोस्तों मिलेगा कंपनी का लिंक, वो विज़िट ज़रूर कर लीजिएगा। और अब इसका जो को ड्राइवर साइड है वो भी आपको चेक कराएंगे। थोड़ा पहले पीछे आ जाते हैं, लाइट प्रॉपर हो जाने देते हैं, फिर चलते हैं पास में और इसका जो ग्लव बॉक्स वगैरह वो चेक कर लेते हैं तो स्पेसेस का आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक ठाक स्पेस अवेलेबल है इसके ग्लव बॉक्स में और रिमोट भी आपको दिया गया आपके म्यूज़िक सिस्टम का, जो एक बहुत ही बढ़िया बात है। फोर्स की एम्बॉस्ड बैंडिंग मिलती है। इधर दोस्तों मैंने आपसे अच्छे से ये दिखा दिया है ट्रैक्स क्रूज़र। बाकी जब अलग से कभी अवेलेबल होगा तो डिटेल रिव्यू और भी दिखा देंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग ज्ञानी इनफ।